नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बीमा कंपनियों ने अपने पॉलिसी होल्डर कस्टमरों के लिए मोराटोरियम टाइम देने की घोषणा की है। और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 15 मिनट में आप पेपरलेस डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन सी बीमा कंपनियों ने कितने महीने का मोराटोरियम टाइम और मोराटोरियम टाइम के लिए कस्टमरों को क्या करना पड़ेगा, और अगर आपकी कोई किस्त है, अगर बीमा की कोई किस्त कट चुकी है तो उसको कैसे वापस ले सकते हैं, इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी PLI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि जिन कस्टमरों की बीमा पॉलिसी की जो किस्त है अगर मार्च, अप्रैल, मई और जून में आ रही है तो उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज या पेनल्टी नहीं लगेगा अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी नहीं पे करते हैं। डायरेक्टली 30 जून तक का मोराटोरियम टाइम उन्होंने दे दिया है। 30 जून को ये सभी पॉलिसी होल्डर अपनी जो PLI की किस्त है डायरेक्टली एक ही टाइम में भर सकते हैं, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, इतने महीने का मोराटोरियम टाइम PLI ने अपने बीमा पॉलिसी होल्डरों के लिए दिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC ने भी अपने पॉलिसी होल्डरों के लिए 22 मार्च 2020 को मोराटोरियम टाइम यानी 15 अप्रैल तक देने की घोषणा की है, लेकिन ये मोराटोरियम टाइम अभी 15 अप्रैल से बढ़कर 15 मई या 15 जून जा सकता है, इसका इंडिकेशन भी LIC ने दे दिया है। यानी जो कस्टमर सोच रहे हैं कि जिन्होंने LIC की अभी तक किस्त नहीं भरी तो उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी चार्जेज कुछ भी नहीं लेगा और उनकी पॉलिसी है कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा, कोई ब्रेकअप नहीं आएगा। 15 अप्रैल तक का टाइम दिया, लेकिन ये टाइम अभी एक्सटेंड हो जाएगा जो मोराटोरियम टाइम है। यानी दो कंपनी और SBI लाइफ ने भी इसकी घोषणा लगभग कर दी है, यानी कि बीमा कंपनियां भी मोराटोरियम टाइम देने के लिए अपने कस्टमरों के लिए आगे आई है। अब सबसे बड़ा कमेंट लोग करेंगे कि क्या मोराटोरियम टाइम देने के लिए उन्हें कुछ अलग से करना पड़ेगा, जैसे कि बैंकों के क्षेत्र में ऑनलाइन मोराटोरियम अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन हमारी बीमा कंपनियों के क्षेत्र में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो पे कर दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी या सरचार्जेज नहीं लगेगा, लेकिन जिसके अकाउंट के ऊपर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ECS सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम, यानी आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोगों ने अपनी जो बीमा पॉलिसी है डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से लिंक कर रखा है, तो जितनी भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लग रखी है वो उसी टाइम पर डिडक्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो पेमेंट है हमारे अकाउंट से डिडक्ट ना हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपकी पॉलिसी की जो किस्त है अगर आपके अकाउंट से डायरेक्टली कटती है तो उसमें पैसे मत रखिएगा, डायरेक्टली आपकी जो ECS सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ECS और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वालों के लिए यही अपील है कि अगर वो प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं तो अकाउंट में पैसे मत रखिएगा। LIC, PLI और SBI लाइफ ने मोराटोरियम का जो घोषणा है इसलिए दी है कि सभी ऑफिस बंद है, सब कुछ बंद हो चुका है, जितना भी ऑफलाइन पेमेंट मोड था लगभग बंद हो चुका है, तो लोग प्रीमियम का जो पेमेंट है नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लगभग सभी कंपनियों ने मोराटोरियम टाइम देने के लिए घोषणा लगभग कर रहे हैं। अभी LIC और PLI ने बिल्कुल आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है, जितने भी कस्टमरों ने बीमा किस्त या पॉलिसी की जो प्रीमियम पे करना था वो मोराटोरियम टाइम ले सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेमेंट मत कीजिए प्रीमियम की, आपको मोराटोरियम टाइम मिले। दोस्तों, ये मोराटोरियम था LIC, PLI और बीमा कंपनियों के लिए। अगर आपको कोई कमेंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर आपकी कोई राय है वो भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आपको वीडियो कैसी लगी इससे रिलेटेड भी हमें बताइएगा, और अगले वीडियो के लिए दोस्तों तब तक जय हिंद, वंदे।